एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। राष्ट्रीय कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस आज 1885 में हुई थी कांग्रेस पार्टी की स्थापना। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर निकली किसान संघर्ष यात्रा रहेगी अजमेर में 7 और 8 जनवरी को। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट, रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस, बैंक कॉलोनी चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर, और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। राष्ट्रीय कांग्रेस आज अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में स्थापना दिवस मनाया गया। केसरगंज स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय पर जिले के कांग्रेस संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, सेवा दल पदाधिकारी और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और कांग्रेस के ध्वज को फहराकर सलामी दी। इस अवसर पर ध्वज वंदन करने के बाद वंदे मातरम और कांग्रेस का गीत गाया गया। सभी ने स्थापना दिवस पर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और एकजुट होकर देश विरोधी ताकतों से देश को बचाने का प्रण लिया। पूर्व विधायक व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. शिव गोपाल बाहेती ने बताया कि देश की आज़ादी में कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थापना के बाद से ही राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में कांग्रेस ने अनेकों काम किए, जिनकी बदौलत आज भारत का लोकतंत्र पूरे विश्व में एक अनूठी पहचान रखता है। निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि कांग्रेस ने स्थापना के बाद भारत देश की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कई कांग्रेसियों ने बलिदान देकर भारत को आज़ादी दिलाई। अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़कर देश को स्वतंत्र कराने में कांग्रेस की महती भूमिका रही। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने मुल्क को आज़ाद कराया, मुल्क को विकास को गति दी और मुल्क में एक ऐसे राज्य का स्थापना की जो भाईचारा, प्रेम, सद्भाव, कौमी एकता का प्रतीक बना। आज पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की हवाई है, उसकी देन है कांग्रेस पार्टी और उसके नेता। जिस प्रकार महात्मा गांधी के नेतृत्व में और अन्य नेताओं के नेतृत्व में मुल्क आज़ाद हुआ, चाहे वो मौलाना आज़ाद हो, चाहे वो अपने भगत सिंह हो और चाहे अन्य ने सुभाष चंद्र बोस हो, सब नेताओं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सब नेताओं ने मिलकर के इस देश को आज़ाद कराया। तो आज जब देश फिर एक बार विकटन के गगार पर है, आज फिर देश का विकास अवरुद्ध है, आज फिर देश की महंगाई चरम पर पहुंच रही है, फिर देश में समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, तब कांग्रेस का दायित्व बन जाता है कि कांग्रेस इस बात को समझे कि जिस देश को हमने आज़ाद करा के और जिस देश की हमने स्थापना करी। पाकिस्तान में उदाहरण है कि दो मुल्क बने थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। आज पाकिस्तान का भारतवर्ष का है। आज मोदी जी कहते हैं कि हमने 150 देशों को दबा दी, उनको हमने सहायता दी। ये कहाँ से आया? ये कांग्रेस द्वारा स्थापित अर्थव्यवस्था, कांग्रेस द्वारा स्थापित विकास, उनके द्वारा स्थापित इंफ्रास्ट्रक्चर की देन है कि आज देश पूरे विश्व में अपना स्थान रखता है। मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और कांग्रेस साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज के दिन है और आज का दिन हमारे लिए संकल्प का दिन है। हम संकल्प लेते हैं, हम किसान के साथ खड़े हैं, हम गरीबी के साथ खड़े हैं, हम अन्याय के साथ खड़े हैं और हम इस नकारा मोदी सरकार को जब तक चैन नहीं लेने देंगे जब तक न्याय और अहिंसा के मार्ग पर नहीं आएंगे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर।
मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। जैन ने बताया कि कांग्रेस के आह्वान पर आज देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के पक्ष में खड़े रहकर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इसे लेकर किसान संघर्ष यात्रा आज प्रदेश नेतृत्व के द्वारा शुरू की जा रही है, जो 7 और 8 जनवरी को अजमेर पहुंचेगी। इसे लेकर किसानों के बीच पहुंचकर उनसे उनकी बातों को सुना जाएगा और केंद्र सरकार पर कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए दबाव बनाया जाएगा। आज कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सन 1885 में कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी, वो की गई कि जिस तरह अंग्रेज़ों ने देश में दमनकारी नीति अपनाते हुए और देश हमारे देश के लोगों के साथ हमारे देश का जिस तरह शोषण उन्होंने आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से जिस तरह किया, उस पर कांग्रेस खड़ी हुई और आंदोलन के रूप में कांग्रेस ने पूरे देश में भागीदारी निभाते हुए हमारे देश को आज़ादी दिलाई। हमारे उन नेताओं ने जिन्होंने हमारे देश में आज़ादी के लिए अपने प्राण गंवाए और जिन लोगों ने जेलों में रहे, जिन लोगों ने अत्याचार सहन किए, उन लोगों को जो है आज हम इस चीज़ का एहसान कभी भी नहीं भूल सकते कि उन लोगों की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। और वह लोग सब थे कांग्रेस पार्टी के नेतागण। और आज पुनः जो है स्थिति ये हो चुकी है कि देश के अंदर वही धार्मिक भावनाएं, वही जिस तरह से जागीरदारी प्रथा और जिस तरह दमनकारी नीति थी, वही आज किसानों के विरोध में यहाँ अपनाई जा रही है। और हमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा, राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व द्वारा हमें दिशा निर्देश दिया है कि हम जो है किसानों से संवाद करें, किसानों की बात को जो है हम पुरजोर तरीके से साथ देते हुए, उन्होंने जिस तरह मोदी सरकार ने किसानों को आज कड़ाके की ठंड होते हुए भी जो उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, हर कीमत पर वो इनके आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, तो उसके खिलाफ जो है कांग्रेस जो है हमेशा खड़ी रहेगी और किसानों के साथ है।